हेलो फ्रेंड्स, शुभाज होम गार्डन में आपका स्वागत है। आज ये आप फूल देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है क्यूफिया। देखिए, 8 इंच के गमले में मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है और लगभग सारे पौधे में फूल ही फूल हैं। क्यूफिया में 3 रंग आते हैं इस पौधे में। पर्पल है, जैसे आप देख रहे हैं, पिंक होता है, और वाइट वाइट भी क्यूफिया है। तो जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको इतना पता लग गया होगा कि मुझे फूल बहुत पसंद हैं, और ज़्यादातर मैं ऐसे पौधे चुनती हूँ जिनमें सारे साल फूल आते हैं और जिनकी मेंटेनेंस ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है। तो इसीलिए मैं चुनकर ऐसे पौधे लगाती हूँ जिनमें फूल आते हैं, लगभग सारा साल फूल आते हैं, और जिनकी देखभाल करना मुश्किल नहीं होता है। क्यूफिया प्लांट जो होता है, इसमें शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको इस्टेब्लिश होने के लिए, लेकिन एक बार जब ये पौधा इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद इसकी केयर बहुत आसान है। इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, मतलब उसमें खाद भी होनी चाहिए, थोड़ी सी आप मोरंग डाल सकते हैं, और गार्डन सॉइल जो फर्टाइल गार्डन सॉइल है उसका मिक्सचर आप ले सकते हैं। मतलब कि आप अगर ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए, इसका ड्रेनेज होल जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और इसकी मिट्टी जो है वो हमेशा नम होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। और जिस भी हिस्से में आपके घर में सुबह की धूप आती है, 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप अगर आ रही है, तो आप उस जगह पर इस पौधे को रखिए और आपको खूब फूल आएंगे। स्प्रिंग से लेकर के ऑटम तक इसमें खूब फूल ही फूल आते हैं। गर्मी में आप खूब पानी दें, लेकिन बरसात में और सर्दी में पानी की मात्रा कम कर दें। आपको सॉइल चेक करनी पड़ेगी कि अगर सॉइल नम है, इसकी मिट्टी गीली है, तो आप पानी नहीं डालेंगे। और अगर आप एक बार लगा देते हैं इसको, तो हर साल जो है आपको अलग अलग पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही पौधा जो है वो हरा रहता है। ये एक एवरग्रीन पेरिनियल है, इसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं। लेकिन आपको बस ऐसी जगह रखना है इसको जहां पर अच्छी धूप आए, सुबह की कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आए। ये देखिए, पूरा पौधा जो है वो फूलों से भरा हुआ है। छोटे छोटे फूल आते हैं। इसमें अगर कोई भी टहनी आपकी सड़ गई है या सूख गई है तो उसको आप निकाल दें, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है पौधे में। ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत पौधा। इसको बराबर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फूल आते हैं, इसीलिए आपको इसको फर्टिलाइज करते रहना होता है, और स्प्रिंग से लेकर के ऑटम तक, मार्च से नवंबर तक आप कह सकते हैं, इसमें खूब फूल आते हैं। अभी मेरे पास इसकी केवल पर्पल ही वैरायटी है।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।